हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन आई हैव कम विथ ए वेरी गुड टॉपिक एंड वेरी गुड इन्फॉर्मेशन एंड वेरी गुड कलेक्शन दैट इज एसएससी एमटीएस का आज एग्जाम हुआ है 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का आज पाँच अक्टूबर है तो फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन आए हैं जीएस का उसका एक बार मैं डिस्कस कर देता हूं उसका को जितने भी क्वेश्चन आए हैं और उसका सोलूशन डिस्कस कर दे रहा हूं ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि कौन सा प्रिंट पैटर्न का किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऐसे मैंने रिव्यू किया है तो कम 5 से कम पाँच से छः क्वेश्चन है जो करंट अफेयर्स में फे ज़्यादा जोड़ दिया जा रहा है वो भी तीन चार पाँच महीने के रिगार्डिंग वाला वो पिछले वाला नहीं दिया दिया जा रहा है और खास करके बाकी स्टेटिक पूछा जा रहा है देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है दोस्तों पहला क्वेश्चन जो आया है वो है टोटल नंबर ऑफ कंट्री इन सार्क जो सार्क जो को है वो वो उसमें कितने कंट्री हैं तो उसमें टोटल मिला के आठ कंट्री हैं अगर आपको जानकारी होगी जिसमें बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीव नेपाल पाकिस्तान और श्रीलंका है इसको आप ध्यान रखिए ठीक है अगला क्वेश्चन है हु लॉन्च वन स्कूल वन आई प्रोग्राम कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया वन स्कूल वन आई प्रोग्राम वो है केरला गवर्नमेंट कौन है केरला गवर्नमेंट इसको याद रखिए चूँकि आजकल स्कीम से पूछा जाएगा तो केरला गवर्नमेंट अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट इन बीच रिवर किस नदी में लार्जेस्ट लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर है वो है गोदावरी रिवर ठीक है अगला क्वेश्चन है मटकी नृत्य ज़्यादातर किस क्षेत्र में किया जाता है तो मटकी नृत्य किया जाता है एम यानी एम स्टेट में ये मटकी नृत्य किया जाता है यानी मध्य प्रदेश अगला जो क्वेश्चन है इंडियाज हुमेन हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि हुमन हैप्पीनेस इंडेक्स होता है यानी कि खुशहाली रिपोर्ट उसमें भारत कितना रैंक है तो वो रैंक हो जाएगा एक ये दो हजार का ठीक है अगला क्वेश्चन है तरल रूप में पाया जाने वाला अधातु यानी कि लिक्विड फॉर्म में नॉन मेटल कौन सा है नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है वो है ब्रोमीन इसको याद रखिए के केमिस्ट्री से क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से प्लास्टिक का युद्ध कब हुआ था तो इसको याद रखिए तेईस जून सत्रह को ठीक है अगला क्वेश्चन है वेन बॉड नेशनल फ्लैग एक्सेप्टेड आपका नेशनल फ्लैग एक्सेप्ट कब हुआ था वो था 22 जुलाई उन्नीस को ठीक है तब जाके 15 अगस्त उन्नीस सौ को यह फहराया गया था स्वतंत्रता दिवस के दिन अगला क्वेश्चन इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितना रैंक है इंडिया का वो है एक अभी मैंने आपको बताया था कि हैप्पीनेस में कितना है वो है एक ठीक है अगला क्वेश्चन वह राज्य जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया जो ये स्कीम दिके, से आया तो वो होगा यूपी इसको आप मान के चलिए यूपी इसका सही आंसर होगा अच्छा अगला क्वेश्चन हाल ही में किस देश में हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा गया है वो है पोलैंड इस सही का आंसर होगा पोलैंड अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि आई डब्ल्यू एफ यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन केंद्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया है वो डॉक्टर माइकल ईरानी अगला क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट दो में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ दो का पूछा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट यह बेलारूस ने प्राप्त किया पहला अच्छा उन्नीस सौ पैंतीस के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है वह प्रांतीय स्वायत्तता से इसको आप याद रखिए किस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज अलायंस के साथ समझौता किया देखिए ये जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ किस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों के पेशकस के लिए बजाज एलायंस के साथ समझौता किया है वो है करूर बेस्ट बैंक ये तमिलनाडु में है करूर नाम के स्थान पर ठीक है ये सौ साल इनका हाल ही फिल्म पूरा हुआ है इस बैंक का और ये आ, उस जो कॉमर्शलाइज बैंक है जो आर बी आई नहीं कॉमर्शलाइज बैंक में रखा है और ये आ, जीवन इंश्योरेंस के साथ साथ वो पैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं ठीक है थीके? अगला फुल फॉर्म ऑफ जी यू आई जी यू आई का फुल फॉर्म क्या है ये इसका सही आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो आप लैपटॉप खोलते हैं डेस्कटॉप खोलते हैं या अपना मोबाइल खोलते हैं जो फर्स्ट जो पॉपअप होता है आपका जो स्क्रीन पर और जिसमें जिस तरह के सेटिंग होती है वो उसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो आप यूज करते हैं कि चीज़ को वो ग्राफिकल रूप से कैसा नजर आता है ये वा. अगला क्वेश्चन है और वह भारत के खेल मंत्री कौन है तो वह अनुराग ठाकुर इसको याद रखिए जो पहले बीत राज्य मंत्री थे यानी कि स्टेट में बीत राज्य मंत्री थे और इससे पहले जो खेल मंत्री थे वो किरण रिजिजू थे यानी आपको पूछा जा सकता है कि इससे पहले खेल मंत्री कौन है तो वह किरण रिजिजू थे अच्छा इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि आ, सबसे आ, आपके ओलंपिक से रिगार्डिंग था और उसमें बोला गया था नीरज के बारे में नीरज चोपड़ा के बारे में कि ज्वेबलिन थ्रो में करने में वो म्मा उनका मेडल है तो वो होगा फर्स्ट ओलंपिक मेडल ठीक है ये भी है तो दीजिए इन्फॉर्मेशन या कलेक्ट क्वेश्चन कलेक्शन भी चाहिए ए ब्रॉड फॉर यू सो प्लीज़ आई हैव एक्सेस एंड ट्राई टू इमेजिन की बीच इन फ्रॉम बीच टॉपिक क्वेश्चन आर कमिंग तो इसको आप ध्यान से पढ़िए और देखिए कौन से क्वेश्चन किसमें अगर आपको अच्छा लगा तो उसको आप प्लीज़ फॉरवर्ड कर दीजिए अपने दोस्तों को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और यस मैं अभी ला रहा हूँ जो मैथ में जितने भी और क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में तो तब तक के लिए देखते रहिए और यस थैंक यू वेरी मच